पर आंसर गलत है। क्लासिक कैलकुलेशन मिस्टेक। कॉइंसिडेंटली सेम मिस्टेक शर्मा सर के सॉल्यूशन में भी है, पिछले एडिशन में, पेज नंबर 98, प्रॉब्लम नंबर 17 ना। मैंने मेल किया उन्हें, अगले एडिशन में ठीक कर देंगे। तुझे पता है कि बाकी 8 क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए तुझसे? हाँ, क्योंकि 8 मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किसी ना किसी बुक में है, और वो तू करके आया है। अकेले तो तू एक रात में कर नहीं सकता, कौन था साथ में, कौन कौन था? फिर से पूछ रहा हूं, तू नहीं बनाया है? नहीं सर, सर मैंने अब तक सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया था सर। कल नहीं पता थी ये बात? कल तो बड़ा केजरीवाल बन रहा था, सर मुझे मौका दो, चांस दो, मैं करके दिखाऊंगा, क्या हुआ? हाँ सॉरी सर। तुझे पता है ये सब कोटा, ये सब कोचिंग मटेरियल, डीपीपी शीट्स, रेडी रेकनर, ये सब किसके लिए डिजाइंड है? स्टूडेंट्स के लिए, रैंकर्स के लिए। और हम तो नहीं है, हम तो छापते हैं, फिर हमारे लिए क्या है? फीस। तुम जैसों की फीस से सुविधाएं मिलती है रैंकर्स को, और मेरे जैसों का घर चलता है, और तुम जैसे जो चले आते हैं ना कोटा, 9th में पोकेमोन, 10th में पबजी, 11th में कोटा, क्यों? शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे, कोटा में आईटी की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगता है, फैशन है। ये जो अखबारों में इश्तिहार देख के, होर्डिंग्स देख के, 100% सिलेक्शन गारंटीड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटीड, ये देख के जो तुम चले आते हो ना, कोई गारंटी नहीं है। डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं, बैठ बैठ। कोटा आया ना तू, क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तो घर पे भी सकता था, कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। सर कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स है, तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई, नुकसान नहीं है सर कोई। है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले, और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम, और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना, 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। अब फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर, जो तू करके आया है, ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इंप्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने। भाई यहां तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है, और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के, कॉपी करके, गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ लाइन चो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। तो ये जो बैच वैच से मर्डर, ये तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। क्या सर? अब ये भी सत्य है कि तू एक रात में पूरा मैकेनिक स्टार्ट गया, तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू, पर एक टीचर को सिर्फ उतना चाहिए होता है।
लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे हाना कुछ बोल यार। हाँ सर। चल जा, रिसेप्शन पे तो निकलने वाली होती है। सर, अरे बचे हुए बाकी आठ कैसे करूं? चला जा रिपीटर बैच में, यही चल रहा है। चल।